एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज की जो वीडियो है ना, वो मैं लेकर आई हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, खासकर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, कि आप हमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड थोड़ी सी क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो और हम जो एग्जाम्स में ना थोड़ी डेरिवेशंस टाइप का, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल तो नहीं कहूंगी मैं, डेरिवेशंस बहुत सारी हैं, इक्वेशंस बहुत सारी हैं, थ्योरम्स बहुत सारी हैं, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो पूरा चैप्टर है ना, पूरा जो थ्योरी है उसकी, वो बीटेक वालों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, तो कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है और इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है ही, है ना। और उसके अलावा जो एमआई से बीटेक कर रहे हैं, उनका भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा सा पार्ट इसका है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उनके में तो है ही, ठीक है। इसके अलावा जो आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं, आईईएस का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें मेंस में जो स्टेज टू मेंस पेपर टू होता है ना, उसमें ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। पेपर वन पेपर टू में आपके सिक्स सिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पेपर टू वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसमें से फोर्थ वाला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हैं, जिनको गेट देना है इलेक्ट्रो या फिर आईईएस का एग्जाम देना है, ये कोई भी देना है एग्जाम, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा इसका जो इनिशियल पार्ट होता है ना वो, ठीक है, सिर्फ इंट्रो। देखिए, जिनको भी ये वाली क्वेश्चन समझ में नहीं आती है ना, उनको आज के बाद ना, मेरी वीडियोस फॉलो करने के बाद, इन सारी क्वेश्चन से वो फेमिलियर होने वाले हैं और इनको ये सारी डेरिवेशंस और ये जो इक्वेशन है ना, समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसके इनिशियल पार्ट से। देखिए, जितनी भी इक्वेशन है ना, इसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, जैसे कि डी वी ई एच, ठीक है, जे वी डी टी, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीखने वाले होते हो ना, तो आपको इन चीजों से फेमिलियर होना पड़ता है कि ये सब क्या है, ठीक है, ये क्या डिफाइन करते हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सबको आप लर्न कर लीजिए, कि जहां पर भी डी लिखा होगा ना, किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी डेरिवेशन में, जहां पर भी डी का यूज होगा, इट मीन्स दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड एच का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि ये वाला साइन, ठीक है। जे मीन्स करंट डेंसिटी, ठीक है। इन सबको हमें लर्न करना होगा। यहाँ पर जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा का क्या मतलब है, यानी कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। इसमें कुछ सिंबल्स भी यूज होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा, ये सब भी यूज होते हैं, वो मैं आपको अलग से लिखकर बताऊंगी, ठीक है। इन साइंस का लर्न करना, इन अल्फाबेट्स का फेमिलियर होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, वरना आपको कोई भी इक्वेशन या डेरिवेशन समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आपको कोई बताएगा नहीं, सीधा इक्वेशन में लिखा होगा कि बी, बी का मतलब आपको जानना है, बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो ये बताने का मेरा ये एम था कि आपको इन चीजों से फेमिलियर होना पड़ेगा। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की मैं सीरीज लेकर आने वाली हूँ ना, वो हर कोई फॉलो कर सकता है, क्योंकि जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो इंटरनेशनल एक पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इसको कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये चीज इस कॉलेज में अप्लाई नहीं होती है या इस कॉलेज वाले इनवैलिड मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं वही बुक रेफर करती हूँ जो कि इंटरनेशनल काफी अच्छी रिप्यूटेड पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, जो ऑब्वियसली हर एक कॉलेज में चलती है, ठीक है ना। तो अगर आप आईईएस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी मेंस में पेपर टू में एक सब्जेक्ट है, बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक में अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला
ये वाला समझना है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले हैं वो भी कर सकते हैं। फर्क इतना ये रहता है कि अगर जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है ना वो थोड़ा सा वाइड करके इसको ना पढ़े, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट में ही पढ़े, क्योंकि मैं तो सब कुछ ही बताने वाली हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, यानी कि बीटेक और आईईएस के लेवल का बताने वाली हूँ। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है उसको थोड़ा सा लिमिट में करें तो उनके वर्ड लिमिट भी आउट नहीं होगी, उनको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो सब कुछ मैं यहाँ पर कंसेप्ट वगैरह बताने वाली हूँ, डेरिवेशन समझाने वाली हूँ, एक एक स्टेप करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, बट आप अपने हिसाब से उसे करें, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है, समझाने के लिए मैं हूँ, वो आपको डिसाइड करना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन में आप कितना लिखोगी, ठीक है। तो चलिए, इन चीजों से आप फेमिलियर हो चुके हो। ये वाली जो क्वेश्चंस है ये सब डेरिवेशंस है जो कि डेराइव होंगी और ये एग्जाम्स में भी आती हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो एग्जाम्स में भी आती हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये सब मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाले इक्वेशंस को किया था, ठीक है। तो उन्हीं के सिद्धांतों पे चलते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी थी, ठीक है, इन फॉर्मूला पे बेस्ड करी थी, ठीक है, जो कि फ्यूचर में सक्सेसफुल रही हैं। तो इसी वाली जो इक्वेशंस है मैक्सवेल की, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना जो रेगुलर बीटेक है उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप इन मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन के बारे में बताओ या फिर फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बताओ, या इन जो इक्वेशंस है ना इनका कुछ नाम भी है जो कि मैं आपको जैसे जैसे कराती जाऊंगी ना वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इंट्रो इतना बहुत था, आप इनको लर्न कर लीजिए। जब आप लर्न कर लेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इन वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, लाइक करना भी मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।